आखिर निशा रावल और करण मेहरा की प्यारी सी लव स्टोरी क्यों बदली खूनी तकरार में। एक दूसरे के साथ जन्म जन्म की कस्में खाने वाली इस जोड़ी ने आज क्यों लगाए एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े आरोप। आखिर टीवी इंडस्ट्री की सबसे प्यारी जोड़ी क्यों खड़ी है कानून के दरवाजे पर। जी हाँ, सोनू निगम के फेमस सॉन्ग चंदा की टोली में नजर आई एक्ट्रेस और मॉडल निशा रावल आज अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खूब लाइमलाइट में हैं। आपको बता दें कि निशा की शादी टीवी की दुनिया का जाना माना नाम करण मेहरा से हुई है। करण मेहरा ने स्टार प्लस के शो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नैतिक का रोल प्ले करके फैंस के दिलों में घर किया था और नैतिक के करण के रोल को आज तक फैंस याद करते हैं। आपको बता दें कि निशा रावल ने करण पर मारपीट का आरोप लगाया जिसके बाद करण को पुलिस ने तुरंत अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो कुछ घंटों में ही जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन हर कोई हैरान है कि आखिर जिस रिश्ते की डगर पर करण और निशा हंसते हंसते चल रहे थे उसमें इतनी कड़वाहट और घरेलू हिंसा जैसे हालात आखिर कैसे बन गए। आपको बता दें करण और निशा इंडस्ट्री के मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट माने जाते थे, लेकिन करण और निशा की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। निशा को करण ने पहली बार फिल्म हंसते हंसते के सेट पर देखा था। इस दौरान करण निशा को स्टाइल कर रहे थे। यहाँ पर करण एक फैशन डिजाइनर के तौर पर काम करते थे। इस फिल्म में निशा एक अहम रोल में थी और फिल्म में निशा के साथ जिमी शेरगिल थे। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की पहली बार दोस्ती हुई, जिसके बाद करण और निशा की मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। आपको बता दें कि करण निशा के इश्क में ऐसे डूबे थे कि उन्होंने मीडिया और सबके सामने निशा को प्रपोज किया था। उस दौरान दोनों की ये फोटोज भी काफी वायरल हुई थी। आपको बता दें कि करण ने अपने बर्थडे पर निशा को प्रपोज किया था। मीडिया के सामने जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी को प्रपोज किया था वैसे आज तक कोई शायद नहीं कर पाया। एक दूसरे को प्रपोज करने के बाद दोनों ने करीब 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और लंबे समय तक डेट करने के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। दोनों ने बेहद शाही अंदाज में शादी की थी। दोनों की शादी की पिक्चर्स खूब वायरल हुई थी। इनकी शादी में टीवी जगत के कई सितारे शामिल हुए थे और इनका एक बेटा भी है कविश। लेकिन अब शादी के सालों बाद दोनों का ये रिश्ता टूटने की कगार पर है। हालांकि कुछ टाइम पहले ऐसी चर्चा थी कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि करण और निशा दोनों ने ही हमेशा अपने रिश्तों में अनबन की खबरों पर बात करने से इनकार किया, मगर अब निशा ने अपने ही प्यार के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कर सबको चौंका दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान निशा ने अपनी पिक्चर्स दिखाई जिसमें एक फोटो में उनकी आंख पर निशान नजर आया और दूसरी तस्वीर में उनके सिर से खून बहता दिखाई दिया। निशा ने यह भी बताया कि करण का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, लेकिन करण ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों को गलत बताया। हालांकि अब इस लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत अब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन टीवी की इतनी प्यारी जोड़ी की लव स्टोरी का अंत खूनी तकरार में बदल जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।